गाइस वेलकम टू सीजनिंग टी तो आज आ, रिजा का नया ब्लॉग आया है उसमें शुरुआत से अरे कहा गया पानी उसने चने भी गए थे और चने तो ऑब्वियसली पानी सोक कर लेंगे तो सनी बोलता है कि अरे इतने से सनी भी बड़ा पूरा गुलाम बना पड़ा है अरे बेटो प्यारू इतने से पानी में तुमने छने भी हे 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 हे। अरे बेटो तुम्हें तो इतना काम भी नहीं आता अरे सनी कहा गया पानी कहा गया अरे पानी तब चने पिएंगे ना बेटू चाने, पे गए पी पानी तुम्हारी बुद्धि तो यहां से शुरुआत करते हैं फिर पूरे इनके ब्लॉग में ये नमाज पढ़ रहे हैं या गुलगुले तल रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं फ्रूट काट काट रहे हैं गुलगुले तल रहे हैं बस यही दिखाया है और कुछ है ही नहीं करने को फिर थक गए हम आज बहुत थक गए आज हमसे कुछ नहीं हो रहा है भाई तुमने करा क्या है जो तुम थक गए मुझे तो समझ ही नहीं आता तो एक तो तुम हर चीज अपने ब्लॉग में दिखा देते हो उसके बाद भी हमें समझ नहीं आता तुम करते क्या हो जैसे थकते हो और ये देखो सनी हीरो बना हुआ है भैया सलमान खान वाली बॉडी छुपा ले तो अपनी तेरे तो को नजर लग जाएगी छुपा ले अपनी सुबह सुबह उठ के आये निकर में और ये अपने बनियान में वैसे तुम्हें जिसम की नुमाइश करना तो तुम्हारे इस्लाम के खिलाफ है अभी एक और चीज मैंने नोटिस की है ये अभी रिजा कहीं जा रही है ना तो धीरे धीरे इसके सर का दुपट्टा पीछे होता जा रहा है पहले तो हर समय सरकाती रहती थी, थी अपने माथे पे अब नहीं सरका रही है थोड़ा थोड़ा हटवा रही है भाभी ने भी तो उतार दिया है ना प्यार भाभी ने भी तो सनी भाभी दुबई में दुपट्टा नहीं ले रही थी तो हम क्यों लेंगे हम भी दुबई जाएंगे फिर हम भी नहीं लेंगे इसलिए मैं अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ अरे बेटू तुम बहुत अच्छी हो और सनी को किसी ने मुझे लिखा कि सनी की सगी बहन है जो वो ट्रू हिजाबी है क्योंकि उसकी शक्ल आज तक नहीं आई उसके खुद के बच्चे बनाते हैं सनी की बहन के लेकिन वो अपने बच्चों के ब्लॉग्स में भी नहीं आती सनी की शादी में पता नहीं वो आई थी या नहीं आई थी आई भी थी तो उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई ये होता है ट्रू हिजाबी तो सनी को पता है हिजाबी का मतलब क्या है और ये मैंने इसके जो अफेयर वाला वीडियो है ना था नाटक किया था मॉडर्न कि बन के पेंके, जीन्स पेंके, बालों में डाई वाई कलर वाला करके एकदम छपरी मैडम बनी हुई थी और पूरा आंख मार के टिकटॉक बनाती थी तो ऑब्वियसली घर वाले सोचेंगे ना ये लड़की तो बिल्कुल पता नहीं क्या है क्या कर देगी फिर टिकेगी ही नहीं है तो 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 उसको बोला कि भाई तो हिजाब का नाटक कर ले घर वाले मान जाएंगे, अभी पैसा तो तू तो कमा रही है बस थोड़ा हिजाब का भी नाटक कर ले दोनों बातें सही हो जाएगी हिजाबी भी बन जाएगी और पैसा भी आएगा तो इसने हिजाब का नाटक कर लिया और तो क्या सनी जो सनी को पता नहीं है असली हिजाबी क्या होते हैं तो ये जो आजकल नाटक करती है कि अपना हल्का सा दुपट्टा डाल लेगी ना महरम के सामने घूम रही है ना महरम के लिए वीडियो बनाती है सारे टाइम ना महरम के सामने साबुन से नाना ना दिखाती है और ना महरम को बोलती है अभी तो तीन साढ़े तीन मिलियन ना महरम देख रहे हैं मुझे तो अभी सबको सब्सक्राइब करो सब मुझे लाइक करो सब कमेंट्स करो मैं सारे ना महरम के कमेंट्स को लाइक करूंगी मैं सारे ना महरम के कमेंट्स को रिप्लाई करूंगी लव यू लव यू लिखूंगी तो ये क्या है तो सनी को पता नहीं है सनी को सब पता है सनी इतना कोई मासूम बच्चा है क्या कोई सनी को किसी ने लिखा जो उसका अफेयर वाला वीडियो बनाया मैंने उसमें लोगों ने लिखा कि अरे अब उसकी शादी हो गई है उसका क्यों किसी का घर तोड़ रहे हो अरे सनी की सनी क्या सोचेगा भाई सनी को मैं ये बता दू की सनी को सब कुछ पता था ये बात मोहदा में अगर आप ये मानते हैं कि मोहदा में किस कि, कोई औरत अपनी जान दे दे क्योंकि उसका बेटा इस बंदी से अफेयर कर रहा है और इससे शादी करना चाहता है और बंदी ने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता ये लड़की नहीं आएगी हमारे घर में बहू बन के और बात यहाँ तक चली जाए कि वो जान दे दे तो आप ये बताइए ये बात मोहदा जैसे छोटे शहरों में नहीं फैलेगी मोहदा छोटा गांव है लड़कों में बात बहुत जल्दी फैलती है सब में बहुत जल्दी फैलती है बात तो सनी को पता नहीं होगा सनी को सब पता था इस... इसके सारे कारनामों के बारे में सब पता था बट पैसा है ना पैसे के आगे सब कुछ चल जाता है तो खैर इसके ब्लॉग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ देखिए रिजा को ब्लड डोनेशन ब्लड टेस्ट के लिए जो डॉक्टर वॉक्टर आया था उसका या नर्स जो भी आया था ये बंदा उसका ये दिखा रही है शॉर्ट क्या जरूरत थी जब आपने पहले ही बता दिया हम रिजा का हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं है फ्रेंड्स और फिर इसका ये होएगा और वो होएगा तुमने इतना सारा उसकी बेचारी बच्ची की प्राइवेट लाइफ बाहर निकाल दी तो तुम्हें ये सीन दिखाने की जरूरत क्या थी बट नहीं 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 हम तो जरा है व्लॉगर है ना हम सब कुछ दिखाते हैं अच्छी बात है अच्छे से दिखाओ फिर सब कुछ और फिर ये नीचे अपने पड़ी रहती है खाना वाना बनाएगी नहीं ऊपर और अपने अम्मी वगैरह जो बेचारी बना रही है बेटी खाला उनसे बनवाती रहती है फिर अम्मी के पीछे पड़ गई अरे नया सूट गया लेस भी लगवा ली और हम अम्मी नहीं बना के देती कब ईद में नया रमजान में नया सूट पहन लिया अरे माँ को टोक रही है बताओ माँ ने अगर पहन लिया सूट तो कौन सी आफत आ गई सारे दिन तो तुम्हारे यहाँ सूटों की दुकान खुली रहती है तुम्हारे सूटों से ही पेट नहीं भरता मुझे लगता है इन्हें खाना और सूट खाना और सूट इन्हें यही नहीं पता सूट के अलावा भी और चीजें होती हैं तुम चद्दर ले लो तकिए ले लो तुम पर्दे लगाओ हर महीने तुम किचन के कुछ कारपेट कुरपेट बदलो रग्स बदलो ना 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 सूटम सूट सूटम सूट बस सूट सूट, सूटों में दुनिया है इनकी और कुछ नहीं है फिर अम्मी तुम्हें कुछ लेने जाना है कुछ लाना है हम बाजार जा रहे हैं चलो भाई बाजार का तो रोज का चक्कर है देखना, हर दिन जाएंगे चल, कुछ भी ना लेना धनिया पत्ती लेने चले जा जाएंगे ये जाएंगे जरूर घर में मन नहीं लगता ना तो बाजार जा रहे हैं धनिया लेना है हमें फ्रूट लेने हैं अरे आ, हमें ये पता नहीं क्या बोल रही थी चीकू लेने हैं और इतने सारे फ्रूट लेने हैं वो सब लेने पहुंच गए तो किसी ने लिखा मुझे कि ये छोटे छोटे चदरे वदरे लेने तो दिखाते नहीं है तो धर्म दादा से मंगवा लेते हैं या कहीं और से जैसे डिलीवरी करवाते हैं लेकिन ये फ्रूट लेने या पाओ लेने वो वहा चले जाते हैं देखा जाए तो ये बिल्कुल लोकल दुकानें होती हैं और ये फ्री डिलीवरी करती हैं फ्री भी नहीं करो तो दस पंद्रह रुपए बीस रुपए में वो डिलीवरी कर देते हैं घर में जब ये इतना पैसा कमा रहे हैं तो इन्हें अपने घर डिलीवरी करा सकते हैं क्योंकि वैसे रोते रहते हैं हमें फिर टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स हमें टाइम नहीं है इंस्टा का इतना काम करना है फ्रेंड्स हम तक जाते हैं फ्रेंड्स हम दुनिया के सारे काम करते हैं मेरी बीवी बहुत काम करती है सुबह से शाम तक लग जाती है बेटू तुम इतना काम कैसे कर लेती हो बेटू तुम बैठ जाओ तुम्हारे हाथ पाओ दबा देता हूँ तो वैसे रोते रहते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास वो धनिया लेने संतरे लेने लेने चल पड़ेंगे फिर कहते हैं है इफ्तार जो भी है मेरे घर में होगा। तो मेरे घर में बैठेंगे सब लोग चलो मुझे लगा काम करेगी थोड़ा तो फ्रूट काटे इसने पपाया कि यह काटना सबसे मुश्किल काम होता है तो मैं ये काट रही हूँ पपाया काटना ही सबसे मुश्किल काम होता है मैम तूने कभी कटल काटा है नहीं काटा तो काट के देख लियो तो जो समझ आएगा कि उससे भी पपया से मुश्किल भी कोई और चीज काम हो, काटना होता है ठीक है तो यहाँ पे इससे इतने से फ्रूट काटे सोचो इतने से फ्रूट और इनके घर में कितने सारे लोग हैं जो फेस दिखाते हैं प्लस इनके दो चार कैमरामैन तो आप देख लीजिए दस पंद्रह लोग तो हैं कम से कम और इतने फ्रूट काट के थक गई मैडम कि अब मैं थक गई अब बाकी और जनता काटेगी मैंने काम कर दिया उसके बाद उसके सनी ने हाथ पाव दबाए होंगे थोड़े से फिर ये बनाने चलते हैं और गुलगले अब इनके हर रोज ब्लॉग में और गुलगले और पकौड़े गुलगले पापड़ बस ये उससे पहले ये अपनी ना नमाज दिखा रही है अम्मी एंड ये बेटी खाला नमाज पढ़ रहे हैं क्योंकि वो ऊपर आ गए थे तो नमाज पढ़ और मैंने पहले भी कई बार पॉइंट आउट कर चुकी हूँ कि कोई नमाज पढ़ रहा है कोई भी मतलब कोई भी इंसान पूजा कर रहा है तो उसको क्यों कवर कर रहे हो क्यों दिखा रहे हो बार बार लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि क्या दिखाएं फिर दिखाएं यही तो करना है इन्होंने नमाज पढ़ेंगे पांच बार और गुलगले पकौड़े बनाएंगे और बस यही तो करेंगे दो ही चीज तो है बस गुलगुले पकौड़े बनाएंगे नमाज पढ़ेंगे इफ्तार और सहरी बस चार चीज करेंगे इसके अलावा क्या करेंगे तो इसलिए भाग भाग के बाजार चले जाते हैं संतरे अमरूद लेने फिर भाग भाग के दो कारपेट ले आते हैं दो कटोरी चम्मच लेने चले जाते हैं एक कप फूट गया नानी से तो कप लेने चले जाते हैं नानी की एक क्या बोलते चप्पल को गई तो फिर चप्पल जोड़ी चप्पल की जोड़ी खरीदने चले जाएंगे तो ये करना है ना अभी ब्लॉग की पंद्रह मिनट कैसे खींचेंगे तो ये नानी को अपनी जो ये बेटी खाला को दिखा रहे हैं पकौड़े तलने में ना इस बहन ने पूरा दस मिनट खींच दिए पकौड़े तल रही है गुलगुले तल रही है अपनी कमेंट्री अपना गंदा ज्ञान दे रही है ऐसा शोर होना चाहिए वैसा शोर होना चाहिए हाँ भाई, तेरे को का सबसे बेस्ट शोर मिला है और तेरी भाभी को दोनों बहुत प्राउड फील कर रहे हो दोनों के शोरों मतलब तुम्हारे भाई बहन दोनों भाई बहनों में ये क्वालिटी तो पूरी है कि अपने अपने पति पत्नी को तुमने ऐसा आ, भूत बना रखा है कि वो दोनों अपने माँ बाप को अपनी फैमिली को भूल के तुम्हारे ही गुणगान गाने में लगे हुए हैं तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं ये अम्मी ने सबसे बड़ा मतलब जो है है ना दे रखी है कि बेटा बेटा ऐसा नहीं करना बेटा सास ससुर और ये सब नहीं इनसे दूर रहना बेटा कुछ नहीं रखा है अपने पति को अपने मुठ्ठी में रखो बाकी तो ना सारी दुनिया मुठ्ठी में है वहां नहीं रहना बेटा हमारा दिल कैसे लगेगा तो ये सब करके अपने मुट्ठी में और ये देखना माता जी देख के मैं तो डर गई थी भाई ये क्या है आ, इसको तो मैं थंबनेल पे जरूर लगाऊंगी ऐसे आएगी यूं निकल के मतलब एकदम से एकदम थोड़ा सा वो हो जाता है कि एकदम से ऐसे निकल के आ रही भाई ये क्या है थोड़ा दूर रखना कैमरा इतना भैया क्लोज अप नहीं चाहिए तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे रहा है थोड़ा दूर रखो मेरे को बहुत लोग कमेंट लिख देते हैं आप अपनी शक्ल दिखाओ भैया इससे अच्छी है इतना मैं गारंटी दे देती हूँ इससे अच्छी है ठीक है और इससे फिट भी हूँ और इससे अच्छी दिखती हूँ तो दोबारा मत पूछना तो ये भैया थोड़ा अपना ना क्लोजअप थोड़ा दूर रखा कर घबराहट होती है हमको घबराहट हो जाती है फिर मैं अपनी घबराहट शूट करके दिखा दूंगी भैया फिर देख लेना फिर तेरी घबराहट से ज्यादा मेरी घबराहट हो जाएगी फिर मैं अपनी घबराहट शूट करूंगी जैसे एरोप्लेन में घबराहट शूट करती है ना ये सनी के पास चिपकने वाला ड्रामा फिर मैं करूंगी अपनी घबराहट शूट करके अः तो ये वाला फेस मत दिखाया कर अपना इतना क्लोजअप फिर आगे चलते हैं ये अम्मी वगैरह आ जाते हैं और बेचारे बैठ के फ्रूट काटने शुरू करते हैं क्योंकि इसने जितने फ्रूट काटे थे इतना तो खुद ही खा जाएगी भाई इसने तो अपने ले काटे थे फिर अम्मी बैठ के तरबूज काट रही हैं वो बेटी खाला ऊपर काट रही हैं और ये मैडम जी पकौड़े बनाए जा रही है तो में भी इसके, इसके का तो कुछ है नहीं फिर ज्ञान इतना देगी वो सब कुछ आता है मैं धीरे करती हूँ ये है वो है और रिजा को लगावा लिया काम पे रिजा साथ में बैठ के कर रही है अब उसका एग्जाम शायद कोई बचा हुआ था मेरे ख्याल से तो बचा ही हुआ था एक कुछ तो बात कर रहे थे कि

काम घर का करना नहीं पड़े वाह भाई वाह जब मर्जी शॉपिंग करने जा रहे हो वाह भाई वाह तो ऐसी रोजी लाइफ चल रही है इनकी तो जरूरत क्या है दिमाग पे जोर डालने की तो रिजा को लगा दिया काम पे दोनों एक जैसा सूट पहन के खड़ी हो गई अगले दिन पे एक दिन पहले जो कपड़े लाते हैं इमिडिएटली ला आके पहन लेते हैं उसी में नहा लेते हैं उसी में सो जाते हैं उसी में पूरे दिन घर में काम कर लेते हैं उसी में क्या बोलते हैं तुम अपना नमाज भी पढ़ लो पांच बार उसी में तुम तुम बाजार घूमाओ उसी में तुम शाम को सो जाओ सहरी कर लो इफ्तारी कर लो सब कुछ कर लो और वही काला दुपट्टा सर पे डाले रखो और अम्मी तुमसे बेटर कपड़े पहन ले तो तुम जल मर जाओ फिर उनको टोको अल्लाह अम्मी ऐसा पहन लिया अम्मी इतना सुंदर सूट पहन लिया भैया तुम्हारे पास पचास कपड़े हैं तुम पहनो तुम करो एफर्ट थोड़ा ना अरे सनी कोई शादी थोड़ी ना मैं जो तैयार शादी में तैयार होंगी ना दुल्हन का वेट करने के लिए तो मैं तो मैंने पूछा था कि रमजान वगैरह में जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में जो त्योहार होता है कोई भी दिवाली है आ, राखी है राखी तो सभी लोग मनाते हैं दिवाली में सब लोग मनाते हैं बट जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं या घर में मैरिड लेडीज करवा चौथ वगैरह होता है तो पूरा दिन अच्छे से तैयार होती है नए कपड़े पहनते हैं ज्वेलरी पहनते हैं मेकअप करती हैं अच्छे से तैयार होती है ये नहीं कि वो बस शादी में जाना है तो लिपा पोती कर ली और सारे दिन ऐसे बस घूम रहे हो सुबह उठ के सेम कपड़ों में बाल धोए तो 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 गया, गया। हम, हम तो उसी में सोते हैं उसी में उठते हैं उसी में खाते हैं और नहाना तो भैया पानी बचाना है मेरा लोने पानी नहीं आता ना फ्रेंड्स तो पानी बचाते हैं हम बस यहाँ पे तेल आता है तो तेल ही नहीं बचाते तेल खाते हैं पकौड़ों में तल तल के

लिख देना कमेंट की बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। इसके आधे, आधी कढ़ाई वाले तेल में आराम से बनते हैं बट पूरे टाइम बकर 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 चलती रही और सनी भी इसके आगे पीछे घूमता रहेगा वो चिड़ाए चिड़ेगा चुड़ चिड़ाएगा फिर दो मिनट बाद आके इसको पैसिफाई कर देगा नहीं बेटो तुम इतना प्यार करती हो तुम मुझसे इतना काम करती हो इतना सब कुछ करती हो हमारे घर के लिए सुबह से शाम तक पकौड़े गुलगुले तल रही हो तो तुम बहुत अच्छी हो वो तारीफ करके निकल लेता पतली गली से इसमें एक चीज अच्छी लगी मुझे कि सनी ने वो चौकीदार वाले को चौकीदार भैया को आ, इफ्तारी देने गया था खाना देने गया था बेसिकली तो वो पार्ट अच्छा था सनी मुझे ना कहीं ना कहीं ना कहीं जेनुअन थोड़ा सा लगता है कि वो केयर करता है लोगों की और इनके घर में जो सबसे जो है ना मतलब जो मान लीजिए कि एहसान फरामोश जिसे कहते हैं सबसे ज्यादा चालाक सबसे ज्यादा पब्लिक को जैसे होता है अपने रिश्तों को यूज करने वाली वो सिर्फ सबा है सबसे ज्यादा मतलब होता है ना मीन टाइप पर्सन वो सबा ही है तो बाकी इनके पूरे खानदान में कई लोगों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है मेहनत की हुई है कहीं ना कहीं जेन्यस कहीं ना कहीं दिख जाती है तो अब ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये खाना देने गया था और भले इसने ज्ञान बांटाओ थोड़ा बहुत जो भी है एटलीस्ट देने गया था तो ये इसने सही किया फिर यहाँ पे तो मैडम ये देखिए कि सबा इसको काम पे लगा देती है रिहान को ही लगा देती है तो रेहान भी वही खुद ही बोलते पहली बार कर रहा हूँ तो ये छोड़ती किसी को नहीं है रिजा चली गई होगी दो मिनट इधर तो, तो इसने पकड़ लिया होगा रेहान चल तू आ जा सनी बोल रहा होगा मैं नहीं तुम व्लॉग बनाओ हमारा व्लॉग व्लॉग बनाते हैं अपन बेचारे को काम पे लगा दिया और ये वाला मैं कह रही थी इसमें तेल देख लीजिए इस तेल में आराम से पकौड़े तले जाते हैं अच्छा ये इफ्तारी देखिए इनकी देखो मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रही मैं सिर्फ इस बात के लिए कह रही हूँ कि ये सुबह से करी थी आज इफ्तारी हमारे घर है कभी किसी के घर रहेगा कभी किसी के घर तो ऐसे अच्छा है चलता रहेगा और इतना नाटक करी थी सुबह से मैं थक गई जी मुझसे काम नहीं हो रहा है अब इतना काम है इतना काम है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि देखो इसमें है क्या चार पांच प्लेट प्लेटें फ्रूट्स की है अंगूर ऐसे ही रखे हुए हैं केले ऐसे ही रखे हैं, उनमें कुछ काम नहीं करना पड़ता खजूर में भी कुछ काम नहीं करना पड़ता सिर्फ पकौड़े हैं पकौड़े गुलगुले जो भी इसने तले हैं उसमें भी इसने रिजा की हेल्प ले ली थी रिहान की हेल्प ले ली थी और बेटी खाला ने भी आके तले होंगे आधे पकौड़े वो भी कोई बड़ी बात नहीं है वो भी हुआ ही होगा और पकौड़े भी कोई ऐसे नहीं कि बहुत सारे हों कि भैया दो भगोने भर के वाले जिसमें तो दो प्लेट पकौड़े बनाए हैं पापड़ उनके कम पड़ गए थे खाते खाते फिर नानी को टोकरी है पापड़ खा रही है इफतारी के बाद इफतारी रेहान तुम फिर से खा रहे हो अरे ये चौबीस घंटे खाती है उसको कुछ नहीं बच्चा है वो रेहान लड़का है छोटा उसको बच्चों के जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है खेलते हैं कूदते हैं पढ़ते हैं जो भी है बच्चों का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है नानी बेचारी पतली दुबली जरा सा एक पापड़ खा लिया तो उनको व्लॉग में दिखा के उनकी बेजती कर रही है तो ये इसीलिए मुझे गुस्सा आता है कि ये औरत ना सबकी बेजती करती है एक होता है कि तुम्हें कोई कॉमेंट पास करना है तो तुम कैमरा हटा के करो ना तो जब कैमरे में दिखा दिखा के करी है तो आप समझ सकते हैं कि कैमरे के पीछे तो ये क्या करती होगी इनकी हालत तभी ये मुझे लगता है इसके भाई जो रहता है ना उसके सामने ठीक रहती है ये तब तो थोड़ी हिम्मत कम पड़ती है इसकी फिर इफ्तारी में इसके भाई भाई तो दिखा नहीं जी भाई नहीं दिखा भाई पता नहीं बाद में आया था नहीं आया जॉइन किया नहीं किया वो भाई या भाभी के ब्लॉग में देखने पे पता चलेगा और भाभी आई थी तो भाभी आई ये मुझे अच्छा लगता है सनी जेन्युइनली खुश होता है रोहान को देख के उसके चेहरे पे

लेकिन वो कहते कि रूहान की क्या सोचेगा हर रोज इफ्तारी नए नए घर में भाई रूहान बहुत छोटा बच्चा है वो कुछ नहीं सोचेगा और तुम्हारा नए नए घर क्यों सगी बुआ का घर है सेम बिल्डिंग में में हो हर दिन में से चार बार अपनी के घर जाते हो तुम तुम्हारी माँ हर रोज तुम्हारे घर आ रही है भाभी से तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा था अभी तक तो और होना भी चाहिए तुम तो रोज ही मिलने चाहिए उनसे वैसे तो सारे दिन उनके घर में पड़ी रहती थी तो फिर नया घर कहाँ से हो गया लेके आया करो रूहान को रोज और वैसे तो जो रमजान का महीना है तो ये फैमिली का महीना मिलने का महीना आपस में प्यार बनाने का महीना होता है कि तुम सब आपस में मिलो जुलो साथ में सैरी करो इफ्तारी करो बैठ के बातें करो गिले शिकवे मिटाओ तो उसमें रुहान को रखो अपने पास वो क्यों सोचेगा नया घर है बट ना रेहा रूहान तो भैया भाभी तो वी की तरह आएंगे वी की तरह जाएंगी तब तो पूरे रिश्ते में ऐसा है की इन्विटेशन पे आते हैं इन्विटेशन बस मतलब काम निकला ब्लॉग बना निकल लो इतना ही उसके बाद ये अपना अनबॉक्सिंग का शुरू कर देते हैं अनबॉक्सिंग कर लेते हैं सब लोग हैं थोड़ी मदद भी मिल जाएगी सनी बैठ के अनबॉक्सिंग कर रहा है आधे, और मैंने जैसे कल कहा था कि जो इतना ढेर सारा सामान लेके आई है ना बटोर के वहां से फ्री का वो सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो चाहते हैं कि उनका नाम रिपीट हो नाम दोहराया जाए लिख के बताया जाए ताकि उनकी थोड़ी सी सेल बढ़ सक सके लेकिन मुझे पता था आदो के नाम भूल जाएगी आदो का इसे कोई पड़ी ही नहीं है बेसिकली होते ना कि अल्लाह इतना दे रहा है तो हमें क्या पड़ी है तो ऐसा काम कर रही थी कि भैया मजबूरी है ऐसे ये 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 बॉक्सेस खोलना जबकि सारा से फ्री मिल रहा है तभी भी खोल के ये इसका है अरे सनी वो किसका है ये सामान किसने दिया था सनी बेचारा थोड़ी कोशिश कर रहा है देखने की इसको कोई पड़ी नहीं है कोई ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट हो कि ये काम है इसका इसको करना रिस्पॉन्सिबिलिटी इस है इसको मन से करे ऐसे मन मार के खोल रही है डब्बे आधे खोल रही है आधे नहीं ये इसका है ये उसका ढंग से कि लिख के बताए ढंग से से सारे के नाम एक एक अच्छे प्रेजेंट करके दे उन्होंने इतना मतलब पैसे वैसे लगाए हैं ये सूट हजारों हजारों के होंगे बट ना कोई इंटरेस्ट ही नहीं है फ्री में सामान आ रहा है अच्छा तुम लोगों को, को भी मिल जाएगा थोड़ा रिजा ले लेगी ले थोड़ा ये ले लेगा ले ले ले, थोड़ा वो ले लेगा ले ले, बेटी खाला बेटा हाँ कुछ तो मिलेगा और बेटी खाला का वो सूट जो ग्रीन कलर का है मैंने एक वो बनाया था पॉडकास्ट वो उसमें अभी पिछले वाले में पहन रखा था उन्होंने तो पता ही चल जाता है ऑब्वियसली एक बार ये पहनते हैं कपड़े ये पहनती है और फिर इधर उधर पास कर देती है फिर बोलती है हम जरूरत को दे देते हैं। कोई जरूरतमंद नहीं इनके बेटी खाला नाजा खाला तक के जाते हैं इससे ज्यादा आगे जाते नहीं है और ये देखो कफ्तान इतने अच्छे अच्छे -ची चीजें दिख रही थी साफ कर, लग रहा था कि भैया लोगों ने मेहनत से प्यार से जो दिया है और इसको तो ना दिखाना आ रहा ना उनके बारे में कुछ अच्छा बोलना आ रहा बस काम चला रही है उसके बाद रोटियां बनाती है रोटियां बनाने में रोना निकल रहा है रोटियां ऐसी हो रही रोटिया मैं थक गई हूँ थकने का पकने का तो इतना ड्रामा मचाया हुआ है ना इसने कि मैं थक गई हूँ थक गई भैया तो बत्तीस साल की है कहां से थक गई है करके आ रही है असली में काम तो कुछ करा ही नहीं है इसने लाइफ में थक गई है बस तो फिर ये रोटियां बनाती है रोटी बना के वे बैठ जाते हैं खाना खाने नमाज पढ़ते हैं उसके बाद नीचे जाकर मैं थक गई हूँ ये देखो अब तो किसी में हिम्मत नहीं रह गई है फिर उसके बाद इसको आइस चैलेंज करना होता है फिर सीधा ये दिखा देते हैं मैं अपना बना रही हूँ पराठे शहरी के लिए और मैंगो शेक अब मैंगो शेक बनाते वक्त इसकी हालत देखना कि मैंगो शेक इसने कितना गाढ़ा बनाया है और पीने वाले बंदे है चार पांच इसकी अम्मी वगैरह आ रही थी और चाय बन के आई है नीचे से फिर ज्ञान एक जने के लिए चाय बनाना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए नीचे से आ गई और मैंगो शेक पी माँ की हालत हाँ ठीक है बहुत अच्छा बेटा सालू बहुत करने लगी अब तो तुम लेकिन काम इसने कुछ नहीं किया उसके बाद हम बहुत थक गए अभी हम रेस्ट करेंगे और आप ये देख लेना पूरे व्लॉग में सो भी गई उठ भी गए सारी जगह घूम फिर भी आई सेम कपड़ों में और पूरे ब्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो एंटरटेनिंग लगे और सो करना है। भाई तुम्हारा नहीं रहता किसी भी चीज का कुछ टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का हम थक जाते हैं तो थको मत अपना काम ढंग से करो और जो पीछे सूटों का बंडल बनाया हुआ है उसको हटाओ दान कर दो किसी को ढेर लगा रखे कपड़ों के तो पहनते हो नहीं ढंग से कपड़े तो चलेगा कुछ था नहीं आज के ब्लॉग में सच बताऊं तो बहुत ही बोरिंग बहुत ही मतलब फिजूल का था और ये हमें पूरा कंटिन्यूस दिखेगा एक महीना आई होप लोगों के आंखें खुले कि ये महीने तक इसको यही देखना है क्या मैं थक गई कंप्लेन पे कम्प्लेन थक गई गाइस हो नहीं रहा अब तो हिम्मत नहीं रह गई है अब अब मैं मैं बना बना रही हूं, रोटी बना रही रोटी फिर हम फ्रूट काट रहे हैं खजूर लगा रहे हैं देखिए मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करी अगर ये रोज खा रहे हैं तो ऑब्वियसली खा रहे हैं तो उसमें रोज नया क्या दिखाएंगे तो मत दिखाओ ना थोड़ा ब्रेक ले लो इबादत करो ढंग से कंप्लेन मत करो शुक्रगुजार करो लोगों का माँ बाप के पास बैठो बातें करो उनसे उनको टोका टाके मत करो उनके कम्प्लेन्स मत करो मुझे ये नहीं मिला मुझे सूट नहीं दिलाया मुझे बॉन्डविटा नहीं मिला हम गरीब थे और ये था वो था तो ये सब रमजान का महीना इसीलिए होता है कि भगवान से कनेक्ट होने के लिए और थैंक्स करने के लिए तो चलिए गाइज इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कोई पॉइंट मिस हो गया तो बताना सनी को देखा था प्लास्टिक के कटोरे तो में बैठ के पानी वो मैंगो आइसक्रीम जो बना रहे थे उसका शेक पी गया हाँ बस जो भी है यही है इनके पास चलिए गए बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे